पदाधिकारियों द्वारा, जो इनका सीईओ वीडियो इनके द्वारा जो लगातार लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसा, जो ठगने का पैसा, उगाही का जो एक धंधा जो दे दिया गया था, पहले भी नीतीश कुमार जी ने दारूबंदी कर करके पुलिस को लगा दिया था पैसा उगाही में, कार्य अच्छा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को आप बताइए एक एक पेपर अब निकालने के लिए, खतियान है, खसरा है, ये सब निकालने के लिए लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। जो अर्बन एरिया उसका अलग समस्या है, रूरल एरिया का अलग समस्या है, हर जमीन का अलग विवाद है, तो उसको आप 3 दिन में उसका कैसे आप निकाल भी लेंगे? कितने लोग को आप लगा दिए कि पूरे बिहार में लोगों का समस्याएं, जहां जहां अलग अलग समस्याएं, उनको आप 3 दिन में सोल्यूशन कर देंगे? तो मामला आ रहा है घुसखोरी का, हर जगह बिना पैसा का जो काम नहीं हो रहा है नीतीश कुमार जी के राज में, इस पर सबसे पहले नीतीश कुमार जी को नकेल कसना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार में 6 अगस्त से ही जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन कई ऐसे जगह है बिहार के अलग अलग हिस्से में जहां से शिकायतें आ रही है, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है, साथ ही साथ गरीब तबके के जो लोग खास करके हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं इसको लेकर के। जब हमने अभी दिलीप जायसवाल से बात किया तो उन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर जो है सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हमने प्रश्नवाली तैयार किया और जवाब भी भेज रहे हैं, कोई भी समस्या अब नहीं होगी। लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है, क्या दिलीप जायसवाल जो बयान दिए हैं उसको लेकर के समस्या का समाधान हो जाएगा, जो प्रश्नवाली जो तैयार किए हैं, जो जवाब भेज रहे हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी हैं, सीधे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे जमीन सर्वे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जमीन सर्वे तो एक अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन जमीन सर्वे के आर्म में जो पूरा बिहार में जहाँ जहाँ भी सर्वे हो रहा है, लोग एकदम बिल्कुल डरे हुए हैं, और डरे हुए नहीं है पदाधिकारियों द्वारा, जो इनका सीईओ वीडियो इनके द्वारा जो लगातार लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसा, जो ठगने का पैसा, उगाही का जो एक धंधा जो दे दिया गया था, पहले भी नीतीश कुमार जी ने दारूबंदी कर करके पुलिस को लगा दिया था पैसा उगाही में, और आज जमीन सर्वे के नाम पे पैसे उगाही का जो काम हो रहा है, और गांव के लोग जो खास करके बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत डर गए हैं, घर घर में लड़ाई हो रहा है। अभी देखिएगा कि जो ये निर्णय से हर घर में लड़ाई हो रहा है, विवाद खत्म हो जाएगा ऐसा सरकार का दावा किया। देखिए, विवाद खत्म कब होगा? जब उसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। मैं बोल रही हूँ कि कार्य अच्छा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को आप बताइए एक एक पेपर अब निकालने के लिए, खतियान है, खसरा है, ये सब निकालने के लिए लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है जिसका बात नहीं, और सरकार के उसमें भी बहुत पहले का तो कुछ है नहीं कि ऑनलाइन आप पूरा सब चीज़ डाले हुए हैं, एक आप अपना सर्टिफिकेट अगर मैट्रिक का निकलवाना होगा तब पता चलता है कि 10 साल पहले का सर्टिफिकेट आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, तो ऑनलाइन कितना पहले से हो रहा है ये तो हुआ नहीं है। तो लगातार इस तरह से, और हर घर की लड़ाई हो रही है, भाई भाई की लड़ाई हो रही है, भाई को पड़ोसियों से लड़ाई हो रही है, तो हर घर का ये जो लड़ाई बन रहा है, तो नीतीश कुमार जी ये सही नहीं है, आप बिहार को और गर्क में मत ले जाइए, लोगों को आपस में मत लड़वाइए, इसके लिए बहुत जरूरी कि उसको आप सही से समाधान कीजिए। 3 दिन में कुछ नहीं हो सकता है, जब इतने सालों में कुछ नहीं, तो 3 दिन में आप कैसे समझा लेंगे, आप कैसे कर देंगे? जमीनी स्तर पर हमने टीम को भेजा, वहां से प्रश्न हमने तैयार किया, क्या क्या दिक्कत रही है और सबका समाधान भी निकाला। एक बात बताइए, पूरा बिहार में का जो समस्या है, सब जगह का अलग अलग समस्या है, जो अर्बन एरिया उसका अलग समस्या है, रूरल एरिया का अलग समस्या है, हर जमीन का अलग विवाद है, तो उसको आप 3 दिन में उसका कैसे आप निकाल भी लेंगे? कितने लोग को आप लगा दिए कि पूरे बिहार में लोगों का समस्याएं, जहां जहां अलग अलग समस्याएं, उनको आप 3 दिन में सोल्यूशन कर देंगे? तो इस तरह से आम जनता को जो परेशान किया जा रहा है, उस परेशानी को बंद करना चाहिए, इसको टाइम लेकर के अच्छे से लोगों को समझा कर, जो ये जो मामला आ रहा है घुसखोरी का, हर जगह बिना पैसा का जो काम नहीं हो रहा है नीतीश कुमार जी के राज में, इस पर सबसे पहले नीतीश कुमार जी को नकेल कसना चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर के बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार है हर जगह। देखिए, कोई भी काम आप चले जाइए बिना आप किसी को पैसा दिए कोई काम होता नहीं है, आप खुद भी चले जाइए ना, कोई काम करवा के देख लीजिए, बिना पैसा के काम नहीं होता। तो सबसे पहले तो उस पर मतलब वो होना चाहिए कि आपको जब तक उस पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, प्रशासन का भी वही हाल है, और जितने भी इनका अफसर जो है, जितने जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको सबसे पहले ठीक करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करते थे आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी, इन्होंने साफ सब कहा कि जमीन सर्वे एक अच्छा पहल है, लेकिन जो समस्याएं और आ रही है, भ्रष्टाचार के अलग अलग जैसे खबरें आ रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसमें बदलाव करना चाहिए, राह आसान करना चाहिए, और जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव की जरूरत है, ताकि जो आम जनता है उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही साथ और भी हमने कई सारी बातें की, क्या कुछ करे थे आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।